हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। 23 जनवरी को मुंबई के मीरा रोड के नए नगर इलाके में अवैध संरचनाओं अतिक्रमण को बुलडोजर से ढा दिया गया। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर नया नगर इलाके में पथराव की घटना हुई। मीरा भयंदर से भाजपा विधायक गीता जैन ने उन घटनाओं के क्रम के बारे में बताया जिनके कारण हिंसा हुई, और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी का भी इस पर बयान। आइए देखते हैं वीडियो। अगर कोई एक इलाका ये कहता है कि यहाँ ये पताका नहीं चलेगी, उसे गिरा दिया जाता है, उस पर थूका जाता है, उस पर उल्टी की जाती है, महिलाओं को खींच के मारा जाता है, और ये कहा जाता है कि अब तुम्हारा राम बचाने आएगा क्या, अब आप अल्लाह अकबर बोलो तभी हम छोड़ेंगे, ये स्वतंत्रता छीनने की बात है, लोकशाही के अगेंस्ट की बात है, वो हम सहन नहीं करेंगे। उस इलाके से हमें जाना है तो हमारा आधार कार्ड बता के जाने का है, ये कौन सी लोकशाही है। आज पहला बुलडोजर चला है, आगे देखते हैं कि ये कार्रवाई कंटिन्यू होती है कि नहीं। कल तो पुलिस वालों पे हाथ उठाया, ये सब नहीं सहा जाएगा। कोई 15 मिनट मांग रहा है, कोई 10 मिनट मांग रहा है, तो हम तो इतनी तादाद में, हमें तो 5 ही मिनट काफी है, 5 मिनट दे दो। अयोध्या मंदिर की ओपनिंग हुई है, उस दिन शाम से जोरदार तरीके से हिंदू और मुस्लिम के अंदर बीच में झगड़ा पैदा हो गया है। जहां तक मुझे मालूम है, बताया, लोगों ने बताया कि लोग झंडा लेकर के उन इलाकों में जहां मुस्लिम रहते हैं, मस्जिदों के पास जाकर जय सियाराम का नारा लगाकर लोगों को इंस्टिगेट करने की कोशिश किया, छेड़ने की कोशिश किया। अब एक्शन के रिएक्शन होता है। जिम्मेदार नेताओं का काम है कि इसको ठंडा करें। इस महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की सरजमीन है, वहां आपसी मेल जोल बढ़ाने के लिए कदम उठाएं। जिन्होंने गलती की है, सचमुच गलती की है, गलती उन्होंने भी किया है जो लोग उस एरिया में जाकर के इंस्टिगेट कर रहे हैं, गलती उन्होंने भी किया है जिन्होंने मारामारी किया, तो जिन्होंने भी गलती किया उसकी इंक्वायरी हो आराम से, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, कोई भाग नहीं रहा है। लेकिन अभी इसको ठंडा करना है। लेकिन देख रहा हूं कि कुछ MLAs लोग जिन जो सिर्फ नफरत के पुजारी हैं, वो जाकर वहां चैलेंज कर रहे हैं, और बहुत चैलेंज साथ यहां से जो है, हम आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, रैली निकाल रहे हैं वहां जाकर के, और उसके बाद दुकानें तोड़वा रहे हैं। मैं बाहर था, मैं बंबई आ रहा हूं, और मैं शायद आज शाम को या कल सुबह या रात में मैं खुद आऊंगा मीरा रोड, और मैं भी सर्वे करूंगा क्या हुआ वहां पर। लेकिन मैं आपसी मेलजोल की बात करूंगा, लड़ाने की बात नहीं करूंगा, मैं बिगड़े हालात को सुधारने की कोशिश करूंगा। लेकिन आऊंगा जरूर, मैं मेरा रोड करोगे, मैं आ रहा हूं, मैं देखता हूं हालात क्या होते हैं। क्या आपका NGO है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाए कॉल 9769025411।